नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्पित और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। खबरों की ओर रुख करने से पहले बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गोरखपुर से। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, प्रदेश के कोने कोने से सैकड़ों की संख्या में आए फरियादी। थाने और प्रशासन ने परेशान फरियाद ने लगाई गुहार, सीएम से उम्मीद लेकर पहुंचे हैं फरियादी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गोरखपुर से। सीएम आदित्यनाथ योगी ने प्रदेश के कोने कोने से सैकड़ों की संख्या में फरियादी बुलाए गए हैं। थाने और प्रशासन से परेशान फरियादी ने गुहार लगाई है, सीएम से उम्मीद लेकर पहुंचे हैं फरियादी। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है आदित्यनाथ योगी ने जनता दरबार लगाया है, प्रदेश के कोने कोने से फरियादी अपनी गुहार लेकर पहुंचे हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गोरखपुर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है, प्रदेश के कोने कोने से सैकड़ों की संख्या में फरियादी पहुंचे हैं और थाने और प्रशासन से परेशान होकर फरियादियों ने गुहार लगाई है सीएम से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गोरखपुर से। और अगली बड़ी खबर आ रही है कानपुर देहात से। मंचले से परेशान छात्रा ने खुद को आग लगा कर दी जान, परिजनों का आरोप, मंचले ने किया दुष्कर्म का प्रयास। परिजनों के आने पर आरोपी फरार, मामले में पुलिस ने चुप्पी साधी। आपको बता दें गजनेर थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर मनचले से परेशान होकर एक छात्रा ने खुद को आग लगाकर जान दे दी है। परिजनों के आने पर हालांकि आरोपी फरार हो चुका मौके से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कानपुर देहात से। और इसी मामले में पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। इस वक्त की बड़ी खबर है कानपुर देहात से। एक मनचले ने एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, ऐसे में छात्रा ने खुद पर आग लगाकर जान दे दी है। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता विवेक त्रिवेदी। जी विवेक, क्या है पूरा मामला? जी बताना चाहेंगे, पूरा मामला गजेर थाना क्षेत्र का है, जहां एक छात्रा ने मंचलों से परेशान होकर आज आग लगा खुद ही कर ली, क्योंकि मंचला काफी दिन से स्कूल से के साथ छेड़ खानी कर किया करता था, और बल्कि ये बताते चलते हैं कि इसने मौका पाते ही इसके को बुरी नजर से देखा और उसके घर में घुस गया, उसके साथ छेड़ खानी की। लड़की ने विरोध किया, उसने जान मारने धमकी देकर फरार हो गया। जी जी विवेक, तो छात्रा ने पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाई थी, तो पुलिस की तरफ से चुप्पी क्यों साध रखी है, क्या कारण बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि कुछ छात्रा के परिजनों ने छात्रा के साथ जाकर के थाने में इसकी सूचना कई बार पुलिस वालों को दी थी, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उस मामले पर काफी नजर आते रहे। अगर शायद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया होता तो एक छात्रा की आज जान नहीं गई होती, जिस तरीके से उन्हें की दर्दनाक मौत हुई, उसने शौचालय के अंदर जाकर के केरोसिन का तेल डाल करके आग लगाई। जी जी विवेक, तो परिजनों का जो आक्रोश है वो साफ नजर आ रहा होगा इस वक्त? जी बिल्कुल, परिजनों का साफ तौर पर आरोप है, क्योंकि पुलिस ने जिस प्रकार से इस मामले को तरकाते हुए नजर आया, उनका साफ तौर पर कहना कि बिल्कुल ये पुलिस की मिली भगत है, जिसके कारण आज इस छात्रा को जहर से केरोसिन का तेल डाल के आग लगानी पड़ी और उसकी जो मौत हुई है, ये बिल्कुल पूरा उनका आरोप है कि कहीं ना कहीं पूरा जो मामला है पुलिस की जानकारी में था, फिर भी पुलिस ने इसमें कोई एक्शन नहीं लिया है। जी जी विवेक, तो ऐसे गंभीर मामलों पे अगर प्रशासन ही चुप्पी साधे रखेगा तो आगे कैसे सुरक्षा
पुख्ता हो पाएगी? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो यही सामने आती है। एक तरफ जहाँ योगी जी बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जो इसकी जमीनी हकीकत है, इनके जो पुलिस ऑफिसर हैं और जो दूसरे अधिकारी हैं, कोई मामला मतलब गंभीरता से नहीं लेते। जिस तरह आए दिन ऐसी घटनाएं होती है, बल्कि जनपद में खासकर कानपुर देहात में देखा जाए तो आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है। फिर भी यहाँ की पुलिस चुप्पी साधी बैठी और ऐसे पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई नहीं करती, सबसे बड़ा सवाल तो यही सामने खुलकर आता है। जी जी विवेक, इन तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है गजनेर थाना क्षेत्र से। और बड़ी खबर आ रही है मथुरा से, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, बाइक सवार की नहीं हो सकी कोई शिनाख्त। इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ है रिंकू शर्मा। जी रिंकू, क्या है पूरा मामला? जी अर्पिता जी, मैं बताऊंगा आपको, मथुरा में अज्ञात वाहन ने एक मथुरा सवार को रौंदा है, जिसकी मौके पर मौत हो गई है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है, क्योंकि अभी उसकी शनाख्त नहीं हो पाई। जी रिंकू, इन तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर है बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल बाइक सवार की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मथुरा थाना हाईवे क्षेत्र बाजना पुल की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर एक अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को रौंद दिया। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ वीआईपी कल्चर खत्म करते हुए लोगों ने लाल बत्ती और हूटर का प्रयोग बंद कर दिया है, तो वहीं आजमगढ़ जिले में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का खुद को नेता और आगामी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बताने वाले एहतशाम वासी ने शहर में केवल रोड शो ही नहीं किया, बल्कि पुलिस चौकी के सामने हूटर बजाते रहे और चौकी पर बैठे सिपाही उन्हें मना करना भी उचित नहीं समझे। आपको बता दें कि बाद में इस शख्स ने मीडिया से वार्ता भी की और आने वाले चुनाव में शिवपाल यादव की पार्टी में अपनी दावेदारी भी जताई। हैरानी की बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम को शायद पुलिस ने भी संज्ञान में लेना उचित नहीं समझा। ये सब की बातें हैं, वो कौन किसको ढूंढवाता है तो समय बताता है, लेकिन हमने ये है कि चाचा जी का जो संघर्ष है और हम संघर्षों में भी चाचा जी के साथ हमेशा रहेंगे। भाई देखिए, रणनीत हमारा भी, आजमगढ़ हमारा भी है, हम भी इसी जगह के पैदा हैं। लोग बाहर से आकर अगर चुनाव लड़ेंगे, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, अगर मैं यहाँ से चुनाव लड़ूँ इसका क्या मतलब है? सपा का गढ़ है तो ये थोड़ी नहीं है भाई, सीट किसी की थोड़ी नहीं होती। आपका प्रेम रहा, हम लड़ेंगे चुनाव, हम मैनपुरी से भी लड़ सकते हैं, हम कहीं से भी लड़ सकते हैं। जनता के बीच क्या एजेंडा रहेगा भाई? जनता के बीच एजेंडा यही रहेगा कि जो हमारे आज देख लीजिए जिले में, हम लोग लखनऊ से आते हैं तो रोड, ये 5 साल वो सांसद रहे, क्या किया उन्होंने? आजमगढ़ जिले के अरोला थाना क्षेत्र में पुलिस चौकी के सामने स्थित अंबेडकर प्रतिमा को देर रात कुछ अराजक तत्वों ने तोड़ दिया। इसकी सूचना मिलने पर सैकड़ों ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। इस दौरान लोगों में काफी आगजनी भी की। इसकी सूचना मिलने पर आनन-फानन में पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, किसी तरह ग्रामीणों को समझाकर मामला शांत करवाया गया। आज सुबह एक अम्बेडकर प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिस पे लोग जमा हो गए थे, आक्रोशित भी हुए। तत्काल जो है पुलिस मौके पर पहुंचकर उस अभियुक्त को पकड़ लिया है, बातचीत लोगों से की गई है, समझा बुझा दिया गया है। मूर्ति को बदलने का जो है कि पूरी तैयारी चल रही है, स्थिति सामान्य पूर्ण है, सतर्कता बरती गई है, सभी अधिकारी एक्स्ट्रा पुलिस बल जो है मौके पर तैनात है, स्थिति अभी सामान्य। मेरे यहाँ एक लड़का गया, कहा कि बाबा साहब की मूर्ति टूट गई है बाउल में, हम लोग दौड़ते हुए आए यहाँ पे, तो वो जो तोड़ा था वो अपने घर पहुँच गया था लड़का। तोड़ने वाले का नाम क्या? कोई पांडे है, उनका नाम नहीं पता है, पूरे में आके है, वो अपने घर पहुंच गए। फिर हमारे लोग गए उसको, चौकी इंचार्ज गए उसको पकड़ के ले आए, उसको थाने ले गए, और उसके बाद 5-10 मिनट के बाद दरोगा साहब यहाँ पे आ गए। लेकिन तब से दरोगा साहब खाली मूक दर्शक बने हुए यहाँ के लोगों को देख रहे हैं। बीजेपी और हिंदू युवा वाहिनी के 4-6 लड़के थे, उनसे कह करके
और पुलिस चौकी के ऊपर ईटा पत्थर चलवा दिया दरोगा साहब, और अभी तक 3 घंटे हो गए, दरोगा साहब ने कुछ कार्रवाई नहीं की, किसी बड़े अधिकारी को नहीं बुलाया। महराजगंज की शिक्षा व्यवस्था अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है। मामला सिसवा ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय मुडेरी चौबे की है, जब बच्चों के थाली से भोजन गायब रहता है। कहीं विद्यालयों के भवन जर्जर हैं, तो कहीं विद्यालय समय से पूर्व ही बंद हो जाते हैं, तो कहीं बच्चे झाड़ू लगाते नजर आते हैं। आखिर इन नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ करता दिख क्यों रहा है? महराजगंज का शिक्षा विभाग आए दिन सरकार के फरमानों की धज्जियां उड़ाता नजर आ रहा है। बांदा में एक पटाखे की दुकान में विस्फोट के बाद अचानक आग लग गई, जिससे दुकान का अगला हिस्सा गिर गया। वहीं इस घटना में कई लोग फंस गए। धमाके की आवाज से आसपास के लोग इकट्ठा हुए और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन-फानन में फायर ब्रिगेड और उच्च अधिकारियों को सूचित किया। दुकान और उसके पीछे मकान में फंसे लोगों में 3 की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला प्रशासन के आला अधिकारी फिलहाल मौके पर हैं और बचाव कार्य जारी है। लगभग 6:30 बजे पटाखा बनाते समय ही विस्फोट हुआ और विस्फोट से उसकी पूरी छत जो है गिर गई, और उसके पास से लगे हुए 2 दुकानें और उनकी भी छतें जो हैं गिर गई हैं, और शेष जो 2 दुकानें थी वो बंद हो गई थी, उनमें कोई व्यक्ति नहीं थे, लेकिन पटाखा बनाने वाली दुकान में नफीस स्वयं था और उसके और परिवारी जन थे, जिनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, एक घायल है जिसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, 2 और व्यक्तियों के दबे होने की पूरी संभावना है, जिनको रेस्क्यू करके निकालने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। यहाँ पर जनपद के पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारीगण भी मौजूद हैं, JCB वगैरह इसमें लगी हुई है, फायर ब्रिगेड भी आ चुकी है। फिरोजाबाद में अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल चोरों ने एक बार फिर शिकोहाबाद में 2 अज्ञात लुटेरों ने एक शख्स से 98,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। आपको बता दें कि शख्स ने बैंक से पैसे निकालकर जब जा रहा था, तभी घात लगाए आरोपियों ने वारदात को अंजाम दे दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और चारों तरफ नाकाबंदी कर लुटेरों की तलाश में जुट गई। साथ ही साथ पुलिस बैंक में CCTV फुटेज भी खंगाल रही है। क्षेत्र में भांडरी गांव के पास 98,000 रुपये की एक लूट हुई है। पीड़ित जो है सिसागंज रहे थे और कुछ अपने दोस्तों से इन्होंने पैसा लिया था, वो लूट हुई है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसका सीबीआई अनावरण किया जा रहा है। सोनभद्र में आज 8वीं राज्य स्तरीय आर्चरी प्रतियोगिता का शुभारंभ खेल राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने किया। इस मौके पर DMSP समेत तब जिले के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। नीलकंठ तिवारी ने बताया कि स्पोर्ट्स हॉस्टल में इक्विपमेंट्स की कमी को जल्द ही पूरा किया जाएगा। जब पत्रकारों ने धर्म संसद में आगामी 21 फरवरी को मंदिर का शिलान्यास के निर्णय के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि धर्म संसद तो आज होनी है और साधु महात्मा जो भी निर्णय लेंगे उसका जनता सम्मान करेगी और सरकार भी कानून का पालन करेंगे। बरेली में एक हिस्ट्री शीटर की धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी गई। मृतक 302 के मुकदमे में कोर्ट में तारीख लेने जा रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस इस हत्या की वजह आपसी रंजिश मान रही है और पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करके विवेचना शुरू कर दी। अभी तक हत्या के सही कारण का फिलहाल पता नहीं चल सका। मथुरा के राया कस्बे में डूडा द्वारा बनाए गए आवासों का SDM महावन ने निरीक्षण किया, जहां आवासों में लोग रहते मिले। शासन की मंशा ये है कि गरीब बेसहारा लोगों को एक आशियाना दिया जाए, जिससे कि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इसी के चलते कस्बा राया में डूडा विभाग द्वारा करीब 48 आवास वर्षों पहले बनाए गए, जिनका आवंटन लॉटरी सिस्टम से किया जाना है। आवंटन SDM महावन उपमा पांडे ने स्थलीय निरीक्षण किया तो वहां आवासों में लोगों का कब्जा मिला। फतेहपुर जिले में एक मोरम घाट पर ग्रामीणों और घाट संचालकों के बीच फायरिंग हुई। आपको बता दें जिले के ललोली थाना क्षेत्र के कोरा मोरम खंड 4 पर घाट संचालकों द्वारा की जा रही मनमानी से परेशान होकर ग्रामीणों ने घाट पर बनी झोपड़ियों को आग के हवाले कर दिया।
इस मोरम खंड पर शासन की मंशा के विपरीत भारी मशीनों से जमकर अवैध खनन कराया जाता है। अधिकारियों के छापे के दौरान खदान मालिक और उनके गुर्गे भारी मशीनों को यमुना किनारे उगी झाड़ियों में छिपा देते हैं। फिलहाल बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर पर। साधु संतों के ऐलान पर धर्म संसद के बाद अयोध्या कूच करें और राम मंदिर निर्माण का काम शुरू करें। उनके इस बयान पर देवबंदी उलेमा ने चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार और यूपी सरकार व साधु संत मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान न ले। मुसलमानों को अमन चैन पसंद है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगा, लेकिन जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संतों ने जो ऐलान किया है कि अयोध्या कूच करें और वहां जो है राम मंदिर का निर्माण करें, तो मैं केंद्र की सरकार और यूपी सरकार से और ख़ासकर जो मुल्क का माहौल ख़राब करना चाहते हैं उनसे ये कह देना चाहता हूं कि वो मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान ना लें। मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान चाहता है और सब्र व इत्मीनान चाहता है और सब्र के साथ में ज़िंदगी गुजार रहा है। मुसलमान बार बार यही ऐलान कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला अयोध्या बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के सिलसिले में आएगा वो हमें मंजूर है, लेकिन कुछ फिरका परस्त साधु संत जो है मुल्क का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और उन लोगों ने ऐलान किया है कि अयोध्या कूच करें और वो राम मंदिर का निर्माण करें। मैं ये पूछना चाहता हूं उन साधु संतों से, क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है? क्या उन्हें हिंदुस्तान के कानून के ऊपर भरोसा नहीं है कि वो इस तरीके की जल्दबाजी करके मुल्क का माहौल ख़राब करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में कुशीनगर के बुद्ध पीजी कॉलेज में जमकर अश्लीलता परोसी गई। कॉलेज के परिसर में बार बालाओं ने अश्लीलता की हदें पार करते हुए विद्या के मंदिर को शर्मसार किया। मां सरस्वती के मंदिर में पढ़ने वाले छात्रों ने भी इन बार बालाओं के ठुमकों पर नोटों की बारिश की। दिन में इसी मंच पर छात्र संघ की नव निर्वाचित कार्यकारिणी ने शपथ ग्रहण किया था और रात में उसी मंच पर बार बालाओं ने अश्लीलता की हदें पार करते हुए अश्लीलता परोसी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।